आजकल डैम की मुखालफत जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लग रहा है, जो थोड़ा क्रिटिसिज्म, वैलिड क्रिटिसिज्म भी आई मीन वो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आस्क, जो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म किसी भी चीज़ पर करें तो ट्विटर पर अक्सर होता है, आप भी ट्विटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ट्विटर पर हर दूसरे बंदे को हर चौथा बंदा कह रहा है कि आप गद्दार हैं, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो हमें समझाएं कि आर्टिकल 6 है क्या और इसकी असल इसका जेस्ट क्या है, ये कि आर्टिकल 6 क्या चीज़ है। देखिए, आर्टिकल 6 जो है वो हाई ट्रीजन को डिफाइन करता है, लेकिन हाई ट्रीजन को किस तरह डिफाइन करता है, वो बात करता है आइन की एब्रोगेशन की, अबेंस की, ठीक है। वो बात ये करता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी वन हु ट्राइज टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एसेंशली, और वो ये कि आइन को किसी तरह से भी वो उसकी कंस्पिरेसी का पार्ट था या उसको सबवर्ट करने की कोशिश में शामिल था, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 कैन नॉट बी अप्लाइड टू समवन फॉर देयर व्यूज़। उसके ऊपर अगर आपने कोई मुकदमा बनाना है तो आप वो कॉलोनियल लॉ इस्तेमाल करें, सेडिशन का, ठीक है। अब वो कॉलोनियल लॉ जो सेडिशन का है वो वैसे ही 21st सेंचुरी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो लॉ है जो शायद अप्लाई करता हो इसके ऊपर। लेकिन ये लॉ जो है आर्टिकल 6 का, मेरा ख्याल है कि लोग पढ़ते नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चीफ जस्टिस साहब के निसार साहब बहुत आला पाई के जूरिस्ट हैं। मेरा उनके सामने पेश होने का इत्तफाक तब हुआ था जब वो हाई कोर्ट के जज होते थे लाहौर में, और हाई कोर्ट में उनसे ज़्यादा टेक्स्टुअलिस्ट, जो टेक्स्ट के ऊपर जेन रखते हुए उस तरह की कंजर्वेटिव माइंडेड, नॉट इन अ कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव सेंस, बट कंजर्वेटिव माइंडेड एज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, इन दैट सेंस आई हैड नॉट फाउंड अ ज्यूरिस्ट लाइक दैट। नाउ रिसेंटली आई केम अक्रॉस स्टेटमेंट बाय मिस्टर साकिब निसार, हिज ऑनरेबल चीफ जस्टिस, हिज लॉर्डशिप द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एंड ही वॉज ऑफ द व्यू दैट आर्टिकल 6 कैन बी अप्लाइड टू द डैम्स, कि अगर कोई डैम की मुखालफत करता है तो वो भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, और वो इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसकी कोई बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म की मेंटल जिमनास्टिक्स पे बेस्ड इंटरप्रिटेशन ही होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को और कॉन्स्टिट्यूशन को इक्वेट करेगी डैम्स के साथ। अब डैम्स के ऊपर कई ओपिनियंस हो सकते हैं, डैम्स के अंदर कई और मसाइल भी होते हैं। जनरली देयर इज द इशू ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ द लैंड वेयर द डैम इज गोइंग टू बी बिल्ट, देयर इज द इशू ऑफ लोअर रिपेरियन डेल्टा, ठीक है, सिंध के अंदर जो है, और इस तरह का इस सारे इशू पर देयर इशूज, देयर सेवरल इशूज व्हिच आर वेरी लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। देयर आर आल्सो कंसर्न्स अबाउट द लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ दिस डैम। अब देखें, डैम्स जो है एक फ्रॉम प्योरली इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, डैम्स वर द बिग थिंग इन द 1960s एंड 50s, एंड इवन जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड डैम्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया। बट डैम्स की जो एज है वो टाइम से गुजर चुकी है। अब इसमें आप ये देखिए कि इंसानियत डैम से पहले भी एग्जिस्ट करती, और डैम्स भी थे, डैम्स का एक पुराना तरीका था, छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते थे, लेकिन वाटर इरिगेशन के और बड़े निज़ाम थे, और वो निज़ाम अंग्रेज़ों ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। अब अंग्रेज़ों ने एज सच, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक द ब्रिटिश एवर बिल्ट अ डैम इन द सब कॉन्टिनेंट। यू माइट से दे वर कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेटिव पावर, बट दैट वाज नॉट द केस, द फैक्ट दे वर इन कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेटिव पावर, देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, बट in the case of water irrigation they actually gave you a pretty good system of water irrigation in the Punjab especially. ab wo jo water irrigation systems hai iske ilawa bhi kahi aise nizam hai, even some that have been taken from Muslim Spain, jo iske upar badi research ho rahi hai, water law of Muslim Spain ke upar Harvard mein research ho rahi hai ki wo water law bhi hai jiske andar ye hota hai, to jisse dams ki aisa zarurat nahi rehti. ab agar ye koi point of view rakhta ho और वो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करें कि देर आर चीपर मोर इन एक्सपेंसिव वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन अवेलेबल टू अस इन दिस 21st सेंचुरी, दे वर अवेलेबल टू अस 1000 years अगो एज वेल, देन इफ समबडी कम्स अप विद दैट व्यू, हाउ कैन इट बी टेकन टू बी ए थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो
तो इसके अंदर इस चीज को प्रूव करने के लिए चीफ जस्टिस साहब को ये शो करना पड़ेगा कि डैम जो है वो ओरिजिनल इंटेंट में शामिल है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जब हम जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं तो हम एक्चुअली डैम्स के बारे में बात करें. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज नॉट गोइंग टू फ्लाई. सो आर्टिकल 6 जो हर बंदा उठ के ट्विटर पे ये कह देता है कि आप पे आर्टिकल 6 लगनी चाहिए, आप पे आर्टिकल 6 लगनी. देखिए आर्टिकल 6 सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से जो चार उसके बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं हमारी हिस्ट्री में, उनमें से तीन जो हैं वो तीन फौत हो चुके हैं और एक जो है वो मौजूद है, ठीक है, और वो मुल्क से फरार है. ठीक है, तीन जो फौत हो चुके हैं अयूब खान, ठीक है, और अयूब खान को भी इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि 56 के आईन में आर्टिकल 6 मौजूद नहीं थे. याहिया खान है आपके पास, लेकिन याहिया खान को इसलिए नहीं लग सकती, उसने 62 का आईन तोड़ा जो कि इटसेल्फ वाज बिल्ट ऑन एन एडिफिस ऑफ इलीगैलिटी. ठीक है, सो आप याहिया खान को भी करते हैं. जनरल ज़िया, बट ही इज डेड. जनरल ज़िया इज द डायरेक्ट फर्स्ट कैंडिडेट फॉर आर्टिकल 6. और फिर आ जाते हैं जनरल मुशरफ साहब जो कि मुल्क से बाहर हैं, जिनको खुली छुट्टी दी गई है और जो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बाहर, और वो उन पर बिल्कुल आर्टिकल 6 लगती है. आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि पीपल हु एडेड एंड वेटेड हिम दे माइट बी सब्जेक्ट टू आर्टिकल 6. ठीक है, बट नो वन, सर्टेनली नॉट मिस्टर हुसैन अकानी, वट एवर वी मे थिंक ऑफ हिम, वट एवर वी मे थिंक ऑफ हिज व्यूज, सर्टेनली आर्टिकल 6 डज नॉट अप्लाई टू मिस्टर हुसैन अकानी, इवन दो ही कंप्लीटली डिनाइज इट एंड ही इज प्रोबेबली राइट, बट इवन दो ही कंप्लीटली डिनाइज इट, Article 6 cannot be applied on him if he actually wrote the memo. अच्छा. Article 6 नहीं apply कर सकता क्योंकि अगर वो जिस जो alleged memo है जो कि allegedly हुसैन हकानी ने लिखा है, वो memo अगर आप उसकी वो देखें तो वो आइन को नहीं बल्कि आइन की supremacy की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि जो forces पाकिस्तान के अंदर आइन की और civilian supremacy को undermine करने की कोशिश करती हैं उनके खिलाफ वो लिखा जा रहा है. आप उसको आप किस तहत में लाए, लेकिन वो आर्टिकल 6 में है. ठीक है जी, और वो आप सेडिशन में ले आए, वो आप किसी और में आर्मी एक्ट में ले आए, आप किसी और चीज में एस्पियनाज में ले आए, उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन आर्टिकल 6 में नहीं आता. इसी तरह ये हर किसी जो क्रिटिसाइज करता है उसको आर्टिकल 6 में. फिर आर्टिकल 5 की बात आ जाती है कि आर्टिकल 5 में अगेन वो ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र आ जाता है. बट व्हाट इज द ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन? Obedience to the Constitution does not mean that you have to agree to every single clause of the Constitution. It just means that you have to obey it as long as it exists. And when it changes, then you will obey it. So now, its nature is that I am not saying this as a citizen, as a lawyer, as a I do not hold the position that a non-Muslim can become the president of Pakistan. Okay, I do not hold that position, but I do say that it is unfair. So while I accept the fact, and I would not, you know, try and argue that, and I would not, I mean, there's no way I can actually challenge that clause. But Article 6 जो है, वो Article 5 जो है, वो जो obedience की requirement पूरी वो मेरे ऊपर करता है, वो यही है कि मैं आईनी तौर पे एक शहरी की हैसियत से रहूँ, कानून ना तोड़ूँ, और उसके हिसाब से exist करूँ, और अगर ये कल को change हो जाती है कोई चीज़ तो फिर उसको follow करूँ. So this is what Article 5 की obedience है. और Article 6 जो है वो किसी ऐसे शख्स पे ये कह के कि जी चूंकि जिंदल जो है वो नवाज शरीफ को मिलने आया था, क्योंकि मोदी जो है वो नवाज शरीफ के घर आया था, इसलिए Article 6 लगनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा कि मुंबई के पीछे हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स शामिल थे, इसलिए उस पर Article 6 लगनी चाहिए. तो ये सारी जो प्रोपोजिशंस हैं ये बिल्कुल कम्प्लीटली कॉन्ट्री टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 6 विच वॉज डिजाइंड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट मिलिट्री कूप्स, अनसक्सेसफुल सेफ गार्ड बट नेवरदलेस ए सेफ गार्ड. लेकिन इट कैनॉट इन एब्सोल्यूटली कैनॉट बी अप्लाइड इन एनी अदर सिचुएशन कि ये इंडिया का दोस्त है या ये पेट्रियाटिक नहीं है या कुछ नहीं, उसके लिए और चीज़ें मौजूद हैं. Really narrow boundaries for that. Yeah, very narrow boundaries. Very narrow and very clear, distinct boundaries. It is about the constitutional order. अगर आप constitutional order, ये आप जरूर कह सकते हैं कि अगर आप wage against the state कर रहे हैं तो शायद आप अगर आप government को overthrow करना चाहते हैं तो फिर आप जो है आपने arms उठा ली और आप कहते हैं कि मैं वजीर आजम को जो है यहाँ से वहाँ निकाल दूंगा और ये कर दूंगा, हुकूमत का तख्ता उलट दूंगा, तो तब आप obviously constitutional order.